Good morning, students. Today I am present here to teach you computer subject, exercise 3, computer languages. पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक्सरसाइज 2 का हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था. इस वीडियोस में आपको हम कंप्यूटर की भाषा के बारे में जानकारी देंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट एज ह्यूमन यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, कंप्यूटर आल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेजेस. द टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. जिस तरह से एक मनुष्य बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, विभिन्न धर्म के लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक अपना भाषा होता है. द टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेज की जो शब्द है, इससे विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया कंप्यूटर पर बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ऑन द कंप्यूटर. विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकसित किया गया विभिन्न प्रकार के कार्यों को कंप्यूटर पर करने के लिए. बेसिकली लैंग्वेजेस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. मूलतः भाषाओं को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है. तो आप देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. दो प्रकार के भाषा है देखेंगे, टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. पहला आता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज. लेकिन हम लो लेवल लैंग्वेज का डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज क्या है? ए लैंग्वेज दैट कॉरस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू ए स्पेसिफिक मशीन्स. वह भाषा जो समान रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, खास तौर से मशीन से जुड़ा हो, मशीन के समान कार्य करता हो, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं. मशीन के ही समान कार्य करता है. इसमें हम दो भागों को बांटते हैं लो लैंग्वेज को. देर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस. फर्स्ट आपका मशीन लैंग्वेज है और दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज है. तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज पर चलते हैं. ए लैंग्वेज दैट इज, आप देखेंगे यहाँ पर मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में आपका पॉइंट्स है, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हम देखेंगे. पहला पॉइंट्स आपका है ए लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द हार्डवेयर. वह भाषा जो प्रत्यक्ष या सीधे रूप से हार्डवेयर के द्वारा समझा जाता है, उसे मशीन लैंग्वेज कहेंगे. दूसरा में आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट से, मशीन लैंग्वेज इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज सबसे निम्न और साधारणतः आसान होता है, आसान लेवल्स का है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आसान्स बहुत आसान है, निम्न है और साधारणतः आसान भी है. इट वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड. यह सबसे पहला प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया गया था. यह सबसे पहला भाषा है आपका. इट यूजेस 0 एंड 1 फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस. कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम दिशा निर्देश कंप्यूटर को देते थे, 0 एंड 1 के रूप में ही हम देते थे. क्योंकि हम पहले भी जानते हैं, या फिर आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को कंप्यूटर प्रयोग नहीं करता है, वह अपनी भाषा को कन्वर्ट करता है. हमारी भाषा को वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है. और वो किस में कन्वर्ट करते हैं? इट यूजेस 0 एंड 1.
जीवन वर्ड में वो कन्वर्ट करके ही आपको रिजल्ट देता है या कोई भी कार्य को संपन्न करता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे मशीन लैंग्वेज के बाद दूसरा आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आपका पॉइंट देखेंगे, स्लाइटली मोर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज दैट डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड्स टू मशीन लैंग्वेज, थोड़ा सा अधिक उपयोग और सुलभ भाषा है जो मूलतः समान होता है मशीन भाषा से, यह मशीन भाषा से कुछ मिलता जुलता है। दूसरा पॉइंट से असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द मेन इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का विकास किया गया टू ओवरकम सम ऑफ द मेनी इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कुछ असुविधाएं होती थी जिसके वजह से असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया। तीसरा पॉइंट से दिस इज अनदर लो लेवल बट वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वन्स, इट इज कॉल्ड निमोनिक्स। एक दूसरा लो लेवल है, लो लेवल की भाषा ही है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भाषा है। इस भाषा में कार्य को कोड्स ऑपरेंड्स ग्रुप में करता है, दैट्स गिवन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, जो वर्णमाला संख्या रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में इसमें दिया जाता है, किसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वन, इट इज कॉल्ड निमोनिक्स। ठीक है, जीरो एंड वन के स्थान पर हम वहाँ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का प्रयोग करने लगे और इसे प्रयोग करने के बाद हम इसे निमोनिक्स कहने लगे, इट इज आल्सो कॉल्ड निमोनिक्स। इसे हम स्मृति विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे नोट में आपका है, बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर assembly language is also known as symbolic programming language, क्योंकि इस रूपरेखा के साथ ही assembly language को हम symbolic programming language भी कहने लगे। क्यों symbolic programming language कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 0 and 1 की जगह पर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का प्रयोग करने लगे हैं, इसलिए सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम बताया क्या, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हमने आपको बताया लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, लो लैंग्वेज में दो तरह की भाषाएँ होती है, एक मशीन लैंग्वेज होता है और एक असेंबली लैंग्वेज होता है। अब ध्यान से देखेंगे कि मशीन लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले प्रथम आविष्कार में आया था मशीनी भाषा, इस भाषा में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे जीरो एंड वन की तुलना में वन देते थे। असेंबली भाषा में जो आपका फिर उसे कुछ विकसित करके जीरो एंड वन की जगह पर वर्णमाला संख्या के प्रतीक चिन्ह रूप में दिया जाने लगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, एनी लैंग्वेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन, कोई भी भाषा जो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है मशीन से। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर अब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रकार के बारे में बताया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से प्रकार है। पहला आप देखेंगे बेसिक है, बेसिक का फुल फॉर्म आपका होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इस बेसिक में हम लोग ये आरंभ करने वाला आपका बेसिक्स कोड है, जिसमें हम लोग एक प्रतीक चिन्ह के रूप में कोड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका इस भाषा का प्रकार में आता है फॉरट्रेन,
इसके फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी इस भाषा में कोई भी फॉर्मूला होता है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। फिर आपका तीसरा है पीएल स्टैक्स वन, जिसे हम फुल फॉर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्शन वन। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखने की एक भाषा है जिसका पहला वर्शन बनाया गया, इसलिए वन लिखा गया है। फिर फोर्थ पॉइंट में आपका है अलगोल, दिस इज आल्सो ए हाई लेवल लैंग्वेज, दिस आर टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज का हम लोग प्रकाश के बारे में जान रहे हैं। तो लास्ट में आपका है अलगोल, जिसे हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज में क्या किया जाता है, किसी भी गणित के सवालों को हल करने के नियमों की प्रणाली है, जिसमें हम लोग सीख सकते हैं, या कलन गति भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसी में आप देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और इसका कार्य क्या है, किस तरह से कार्य करता है। हमने पढ़ा एनी लैंग्वेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन, मशीन पर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है ना, ते आत्मनिर्भर है। इसके प्रकार के बारे में जाना, आप देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस अलाउ ए यूजर टू गिव इंस्ट्रक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच मेक देम इजियर टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, आज्ञा देता है यूजर को। यूजर कौन होता है, यानी जो ऑपरेट करता है, जो कार्य करता है कंप्यूटर पर, उसे ही यूजर कहा गया है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस अलाउ ए यूजर टू गिव इंस्ट्रक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश भाषा में वो दिशा निर्देश देता है हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा, वो आज्ञा देता है यूजर को इंग्लिश भाषा में, जिससे कि वह आसान हो जाए किसी भी चीज को सीखने में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज विच मेक देम इजी टू लर्न, और इंग्लिश बच्चों अच्छे से आप जानते हैं पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम्स डेवलप्ड ऑन वन सिस्टम्स कैन बी एक्सक्यूटेड ऑन अदर सिस्टम्स एंड विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। जो भी प्रोग्राम्स को हम लोग विकसित करते हैं किसी एक सिस्टम्स में, दे कैन बी एक्सक्यूटेड, उसे हम संचालित करते हैं दूसरे सिस्टम्स में, और एंड विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, और उसी आउटपुट को फिर हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नीचे, इट यूजेस द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर कन्वर्टिंग द हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। यह क्या करता है, इट यूजेस द ट्रांसलेटर प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग द हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्राम्स को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एक है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर आर यूज्ड एंड ट्रांसलेटर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, दो अनुवादक होते हैं जो प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम्स को आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर आपका है कंपाइलर्स और एक इंटरप्रेटर। ठीक है, अब नीचे कंपाइलर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। कंपाइलर इज ए अनुवादक, एक अनुवादक है, एक संचालन करता है, इसे कह सकते हैं, या एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कंपाइलर, ये देख रहे हैं आपका कंपाइलर है, तो कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द होल HLL सोर्स प्रोग्राम्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी मशीन प्रोग्राम्स कोड एट वंस, एक बार, एंड आल्सो जनरेट लिस्ट ऑफ एरर्स एंड शोज इट टू द यूजर। कंपाइलर प्रकार का ट्रांसलेटर अनुवादक है, किसी प्रोग्राम्स को वो कन्वर्ट करता है, बदलता है होल HLL सोर्स प्रोग्राम्स को, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस सोर्स प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड में, यानी मशीन प्रोग्राम्स कोड में बदल देता है,
एट वंस, यानी एक बार, ठीक है। एंड ऑल्सो जनरेट्स लिस्ट ऑफ एरर्स, और गलतियों का एक लिस्ट उत्पन्न करता है और शोज इट टू द यूजर, और यूजर को दिखाता है, वह यूजर वहां पर पढ़ सकता है, ठीक है। ये है कंपाइलर का वर्क। नेक्स्ट आपका वर्क आप देखते हैं इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर यानी अनुवादक, ठीक है। इसके पहले बताया है कंपाइलर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का ही काम करता है, जो हेलो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इंटरप्रेटर अनुवादक का क्या काम है। तो इंटरप्रेटर इज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स लाइन बाय लाइन। यस, यह इंटरप्रेटर जो है, ट्रांसलेटर जो है, किसी प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है। कौन से प्रोग्राम? हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इफ देयर इज एन एरर एट एनी पॉइंट और लाइन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप अंटिल एरर इज रिमूव्ड और डिबग्ड। यहाँ पर कह रहा है कोई भी अगर एरर आता है, कोई गलती आती है किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी लाइन में, तो वहाँ पर जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, संपादन हो रहा है, वह रुक जाएगा, ठीक है। अनटिल एरर्स रिमूव, जब तक कि आप उसे हटा नहीं देते, और या फिर एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में कमियों का अन्वेषण नहीं कर लेते, ठीक है। तब तक क्या करता है वो एरर को प्रोग्राम, वह लाइन बाय लाइन एरर में और पॉइंट्स को दर्शाता है, और वह प्रोग्राम्स को रुक जाता है। जब आप उसे हटा देंगे, वह गलतियां को हटा देते हैं, तब वह फिर से प्रोग्राम्स को संपादित करता है। यह आपका इंटरप्रेटर का कार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी भाषा में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 4GL। 4GL क्या है? एक भाषा है ये भी, जिसको हम लोग 4G भी पहले कहते हैं। दिस जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, यानी इस प्रकार की पीढ़ी में भाषा को allows non-programmer user to write programs, to query databases and to generate custom reports. इस पीढ़ी भाषा में allows non-programmer, non-programmers को आज्ञा देता है user को किसी programs को लिखने के लिए, user to write programs, to databases, प्रश्न रूप में, आंकड़ा कोश के रूप में, प्रश्न आंकड़ा कोश के रूप में, और टू जनरेट कस्टम रिपोर्ट्स, या फिर कोई आयात कर अभ्यास करता है वो रिपोर्ट्स बताता है। इसके आप विशिष्ट लक्षण में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4GL। 4GL का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशिष्ट लक्षण क्या है 4GL में? तो दे यूजर फ्रेंडली, वह कर्ता का वह सहायक होता है, जो कंप्यूटर को कार्यान्वित करता है, जो चलाता है, उसके लिए वह सहायक है। एग्जीक्यूशन इज फास्ट, इसकी संपादन गति जो होती है वह तेज होती है। तीसरा, इजी टू लर्न एंड प्रोग्राम बाय नॉन प्रोग्रामर यूजर, इजी टू लर्न, वह आसानी से सीख सकता है, और नॉन प्रोग्रामर्स के द्वारा प्रोग्राम्स यूज कर सकता है। जो प्रोग्राम्स को नहीं लिखने वाला है, ठीक है, वो भी आसानी से सीख सकता है। इसके बाद लास्ट है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क, आपका चौथा पॉइंट है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क। कृत्रिम सूचनाओं का तंत्रिकीय जाल के रूप, सूचनाओं और तंत्रिकीय जाल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम सूचनाओं को और तंत्रिकीय जाल का इस्तेमाल करता है, कौन? 4GL। ये था आपका 4GL का कैरेक्टर स्टिक्स। नीचे देखेंगे आप 4GL
4GL are closer to Himal language than other high-level languages and are accessible to people without formal training as programmers. 4GL जो है मनुष्य भाषा की नज़दीक होता है than other high-level languages, दूसरे उच्च कोटि की भाषा और उपलब्ध और लोगों की उपलब्धता विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग एज प्रोग्रामर्स बिना विधिवत प्रशिक्षण की एज प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामर्स होते हैं विधिवत प्रशिक्षण लिए ही आप इसे सीख सकता है या फिर उसे ऑपरेट कर सकता है चला सकता है। आप एग्जांपल में आप देखेंगे क्लेरियन डाटा फ्लैक्स एग्जांपल आपका है क्लेरियन डाटा फ्लैक्स 40 टूल पीएलआई जनरेटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ 4GL। ये 4GL का आपका एग्जांपल्स है उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आप रिकैप में फिर से हम लोग देखेंगे बच्चों द टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज पहला आपका है द टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर लैंग्वेज जो शब्द इंक्लूड्स किया गया है विस्तार रूप से विभिन्न किस्म की भाषाओं का उपयोग करते हैं कंप्यूटर्स पर बातचीत करने के लिए। दूसरा है लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज हम लोग पहले बता चुके हैं कि भाषाओं को दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज निम्न कोटि की भाषा कह सकते हैं और दूसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज उच्च कोटि की भाषा। तीसरा आपका पॉइंट्स है देर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की हैं दो प्रकार के होते हैं पहला आपका मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। चौथा पॉइंट्स आपका है मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं आप यहाँ देखेंगे इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप मशीन लैंग्वेज ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकसित किया गया था। पांचवा देखेंगे असेंबली लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। असेंबली भाषा में ऑपरेट करने के लिए संकेत संकेत और संकार को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यानी अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स वर्णमाला संख्या के रूप में instead of 0 and 1 0 and 1 के स्थान पर। ठीक है तो बच्चों आज इतना ही कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा हम लोग में उम्मीद करते हैं कि जो हमने बताया आप कुछ सीखे होंगे कुछ समझे होंगे। तो यहीं पर इस अध्याय को समाप्त करते हैं। थैंक यू।